सोलो करते हैं एक मिनट में। मेरे को सेंटर नहीं मिला था। हो गया हो या मैम ये है मैं भी सॉरी बोलूंगा ना। थैंक यू। ये कलेक्शन का नाम है शी लव्स एडवेंचर और ये कलेक्शन में हमने थोड़ा बोल्ड चॉइसेस लिया है। इट्स फॉर द स्ट्रॉन्ग वर्किंग वुमन एम्पावर्ड वुमन। आई हैव वन ऑफ द बैग्स राइट हियर एंड दिस इज अगेन यू नो अ वर्क काइंड ऑफ bag but a little bit strong in terms of its statement, and of course what I'm wearing today is pretty strong in terms of a statement, and I think confidence is part of this collection. Yeah, bold and confident is for the woman that is very bold, adventurous and confident, like her. Yeah, I think so. She expresses that different collection. मैं खुद परचेस कैसे करूँ, ये मेरा कलेक्शन है। मेरे पास काफ़ी सारे बैग्स हैं इस कलेक्शन से ऑलरेडी, क्योंकि हमने ही डिज़ाइन किया है। लेकिन ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि लोग पसंद करें और खरीदें हमारी कलेक्शन। तो जितनी उसको जितनी चाहिए उसके हैं उनके पास, कम से कम 15-20 तो ऑलरेडी यूज़ कर रही है। हाँ, और सब बाकी सब भी उनके लिए। हाँ, मेरा फेवरेट इस कलेक्शन से एक्चुअली इज़ अ पाउच बैग that you wear around your waist, ताकि आपको हाथ फ्री हो गए। तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड आई लाइक दैट, स्पेशली इफ यू आर स्पोर्टी काइंड ऑफ पर्सन, इफ यू ट्रैकिंग और योर आउटडोर्स, यू कैन जस्ट टाई इट लाइक अ बेल्ट। वो बेल्ट बैग है, जैसे यहाँ पे बंद करके भूल सकते हैं कि बैग है। तो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस। ओके, कल के मैं हाउ यू कोलैबोरेशन विद द हाई डिजाइन और लाइक से अबाउट द कोलैबोरेशन। द कोलैबोरेशन इज ग्रेट ऑब्वियसली बिकॉज़ वी आर डूइंग अनदर कलेक्शन। दिस इज हमारी दूसरी कलेक्शन है और मैं चाहती हूँ कि और कलेक्शंस करें साथ में। ऑब्वियसली ये ब्रांड पांडिचेरी से है, वो मेरा होम टाउन है। हम दोनों एक्चुअली बहुत सालों से जानते हैं, दिलीप जी हमारे नेबर हैं। हाँ, पहले तो उनका वर्कशॉप मेरे घर के साइड पे ही था, मतलब उसी रोड पे ही था। तो एज अ चाइल्ड हाई डिज़ाइन वाज नेक्स्ट डोर टू मी। हाँ जी, देखा अभी तक काफ़ी मतलब इनका आ रहा है। हाँ, भी आ रहा है और गली बॉय भी आया था लास्ट मंथ जी। तो इनका सक्सेस है तो पांडिचेरी, पूरा पांडिचेरी बहुत प्राउड है। कोई कार्यक्रम जैसे सर ने कहा कि आल्सो लाइक टू कांग्रेचुलेट यू द गली बॉय विद इन अ फ्यू डे विद इन क्रॉसिंग 200 करोड़। सो हाउ प्राउड डू यू फील बीइंग अ पार्ट ऑफ अ गली बॉय? मैं बहुत खुश हूँ कि दैट द फिल्म इज़ डूइंग सो वेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है और हमने पहली बार रैप के सीन के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। ऑफ कोर्स जोया भी, मतलब द स्क्रिप्ट दैट शी इज़ रिटन, बट ऑल्सो शी इज़ मेड दैट वर्ल्ड वेरी बिलीवेबल। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट द फिल्म इज़ डूइंग वेल। आपने कभी रैप करने की कोशिश की है या फिर कुछ बनाने के लिए? अच्छा अच्छा, वो मैंने कोशिश किया है, मतलब आपके गली में? अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं रैप नहीं करती हूँ, मैं पोएट्री लिखती हूँ, बस काफ़ी है। क्योंकि पोएट्री रैप जैसे ही है। नहीं, मैं खुद ब्रांड एम्बेसडर हूँ अभी के लिए। देखते हैं देखते हैं, अभी मैंने सोचा नहीं इसके बारे में। आर यू थिंकिंग ऑफ एनी?
मैं इनको कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर है. हम सोचते हैं कि हाइडिजाइन के पार्ट हैं, हाइडिजाइन में इनका इनका डिज़ाइन इनपुट भी है. खाली ये नहीं कि खाली खड़े होकर बोलना यहाँ है, नहीं, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है उससे. अगर बॉलीवुड किसी एक्ट्रेस को आप ब्रांड गिफ्ट करना चाहें तो वो कौन सी एक्ट्रेस है? अरे काफ़ी सारे, आई थिंक मेरे सारी नेबरहुड के एक्ट्रेसेस में, जैसे रसिका है, रिचा, हुमा, राधिका, यू नो आई वुड गिव देम ऑल माय, बिकॉज दे आर माय फ्रेंड्स एंड माय नेबर्स. थैंक यू जी. थैंक यू. थैंक्स.